बाबा के इस बेहद के घर में बेहद यज्ञ में विशेष मौन भट्ठी करने का चांस मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है और वो भी बाबा की कर्म भूमि बाबा की चरित्र भूमि पर जहां विशेष सूक्ष्म में बाबा के एक्स्ट्रा मदद मिलती रहती है तो लास्ट बाबा की मुरली जब चली तो उसमें विशेष बाबा ने ये दो बातों को अंडरलाइन कराया और इसीलिए एक है संपूर्ण पवित्रता की बात बाबा ने किया और दूसरा बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाना जब बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थ भी एक प्रकार की इंप्योरिटी है तो व्यर्थ संकल्प यानी संपूर्ण पवित्रता को अगर देखना है तो उसका आधार यही है कि हमारी जो मन के संकल्पों की ब्रेक है वो पावरफुल होनी चाहिए तो उसके लिए जो बाबा ने कहा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास जरूर हो तभी वो संपूर्ण पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं अगर व्यर्थ अंदर चलता रहे चलो ब्राह्मण बनने के बाद नेगेटिव तो बहुत ना के बराबर हो गया लेकिन फिर भी शिकायत ये बनी रहती है कि व्यर्थ अभी तक भी चलता है और इसीलिए योग करने बैठते हैं तभी भी जब व्यर्थ चलता है तो उसको कंट्रोल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और ये चीज अंत तक चलनी है इसीलिए उसको कैसे लगाना है फुल स्टॉप ये भी तो आना चाहिए क्योंकि किसी ने मुझे प्रश्न किया कि ऐसा तो नहीं कि भाई बिंदी लगाना है माना यहां बिंदी लगा दिया तो भाई संकल्प स्टॉप हो गए ऐसा बिंदी लगा तो सकते नहीं है फिजिकली कोई तो वो संकल्प को फुल स्टॉप लगाने का भाव क्या है बाबा का तो उस पर मेरा चिंतन चल रहा था इसीलिए मैंने बहन मैं जी को कहा कि यह चिंतन मेरा अभी का है तो मैं उसी पर कराऊंगी क्योंकि संपूर्ण पवित्रता का आधार यही है अगर व्यर्थ बंद ही नहीं हुआ रुका ही नहीं तो संपूर्ण पवित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई तो पहला पुरुषार्थ हमारा फुल स्टॉप लगाना तो फुल स्टॉप लगाना किसको कहा जाता है पहली बात फुल स्टॉप लगाना माना यह नहीं कि हमारा मन निरसंकल्प हो जाएगा संकल्प चलना बंद हो जाएगा उसको फुल स्टॉप कहा नहीं लेकिन फुल स्टॉप लगाने का मतलब है कि अपनी विचारधारा को एक दिशा देना श्रेष्ठ समर्थ और शक्तिशाली दिशा देना विचार बंद नहीं होंगे विचार तो कंटिन्यू चलेंगे लेकिन उसको मोड़ देना बहुत आवश्यक है अब उस समय मोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा विचार का तूफान ऐसा है व्यर्थ विचारों का तूफान ऐसा है कि जब एक बार चालू हो जाए तो क्या होता है रुकने का नाम नहीं लेता है और ऐसे समय में अगर योग किया तो क्या होगा और ज्यादा चलेगा क्योंकि उसको स्पेस मिल जाती है टाइम मिल जाता है तो और अधिक चलना शुरू हो जाएगा तो इसीलिए जब व्यर्थ चल रहा हो उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए या दिशा देने के लिए स्थूल सेवा शुरू करो उस समय योग में बैठना समझदारी नहीं है या स्थूल सेवा कर्मणा या वाचा सेवा शुरू करो किसी न किसी को ज्ञान सुनाओ अपने विचारों को अपने आप एक दिशा ले जाएगी जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि भाई हमारी स्थिति ही नहीं है उस समय व्यर्थ इतना चल रहा है हम ज्ञान सुनाते तो सामने वाले को क्या फर्क पड़े माना क्या असर होगा उसको तीर तो लगेगा नहीं तो फिर ज्ञान भी क्यों सुनाए वास्तव में हम उसको ज्ञान नहीं सुना रहे उस वक्त हम अपने आप को ज्ञान सुना रहे होते हैं और जब हम अपने आप को ज्ञान सुना रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे विचारों को जब समझ से हम उसको समझ समझाना चालू करते हैं तो धीरे धीरे वो परिवर्तन भी हो जाएगा और जितनी देर आपने उसको ज्ञान सुनाया उतनी देर में तो धीरे धीरे आपके विचार परिवर्तन होते हुए आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ जैसे फुल स्टॉप लग गए उस व्यर्थ की बात को फुल स्टॉप लग गया और फिर आपकी गाड़ी एक और पटरी पर चढ़ने लगेगी अच्छा चलो ज्ञान सुनाना मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं कर्मणा सेवा शुरू करो जितना आप कर्मणा सेवा करेंगे तो उससे दो बात होगी एक तो कर्मणा सेवा किया तो उसका पुण्य अर्जित होगा और दूसरा जब उस सेवा से कोई आत्मा प्रसन्न होती है तो उसकी दुआएं भी मिलती है तो ये दो चीज प्राप्त होने से वो व्यर्थ को समाप्त करना आसान होता है कई बार व्यर्थ इसलिए भी चलता है देखा गया है व्यर्थ इसीलिए चलता है क्योंकि हमारा पुण्य क्षीण हो गया है इसलिए पुण्य करना जरूरी है तो जितना कर्मण सेवा हम करेंगे उतना कर्मणा सेवा करते करते हमारा पुण्य अर्जित होना स्वाभाविक हो जाता है और ये पुण्य जितना हमारा बढ़ता जाएगा स्वाभाविक है कि वो पुण्य कभी कभी मदद करता है उस व्यर्थ को समाप्त करने के लिए खुशी मिलेगी ना जैसे जैसे हम पुण्य अर्जित करेंगे हमारा खाते में जैसे जैसे आता जाएगा जमा होता जाएगा खुशी बढ़ने लगेगी और वो खुशी में आए जैसे बाबा ने अभी बहुत सुंदर बात कही थी अब जो संडे की मुरली हमने सुनी उत्साह हर घड़ी उत्सव मनाओ हर घड़ी उत्साह में रहो उसमें कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि जब आप उत्साह में रहते हो तो परिस्थिति आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है बहुत गहराई की बात है कैसे परिस्थिति वार नहीं करती है तो जब हम उत्साह में होते हैं अर्थात के हमारी फुल स्पिरिट्स होती है एक हाई एनर्जी अपने अंदर होती है जब हाई एनर्जी अंदर में है तो परिस्थिति जो आती है वो लो एनर्जी है तो वो लो एनर्जी हाई एनर्जी को इफेक्ट नहीं करती है इसीलिए कर्मणा सेवा करते हुए हम अपने जमा के खाते को बढ़ाए क्योंकि व्यर्थ जब चलता है माना हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है जब हमारी एनर्जी लो हो गई तो हर परिस्थिति वार करेगी स्वाभाविक बात इसीलिए परिस्थिति वार न करे उसके लिए अपने आप को ऐसी कर्मणा सेवा में जोड़ दो जो अपने आप जमा होते हुए हमको खुशी का अनुभव होगा इसीलिए बाबा ने तीनों के मार्क्स एक समान रखे हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों के मार्क्स बराबर है ये नहीं कि कर्मणा का कम है या मनसा का अधिक है या वाचा का अधिक है कर्मणा का कम है नहीं तीनों के मार्क्स बराबर है उस समय मनसा सेवा तो संभव नहीं है व्यर्थ इतना चल रहा है तो इसीलिए जब हम कोई भी कर्मणा सेवा शुरू करते हैं हमारा मन जब उसमें पिरोना शुरू होता है तो क्या होगा अपने आप वो व्यर्थ समाप्त होगा और जैसे जमा होती जाएंगी खुशी बढ़ती जाएंगी तो धीरे धीरे उत्साह बढ़ने लगेगा हमारा तो ये है फुल स्टॉप लगाने का पहला तरीका के दिशा दो अपने मन वचन कर्म को एक दिशा देना है दूसरी बात कि फुल स्टॉप लगाना माना निश्चय बुद्धि बन तो पहला परिवर्तन परिवर्तन करो दिशा देना माना परिवर्तन कर देना दूसरा है निश्चय बुद्धि बनना किसमें निश्चय बुद्धि बनना है ड्रामा ड्रामा में जितना हमारा निश्चय और वो भी निश्चय क्या है होना चाहिए जो हो रहा है वो बहुत अच्छा जो हुआ वो भी बहुत अच्छा जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा तो निश्चिंत हो जाना तो फुल स्टॉप लगाना माना निश्चिंत का अनुभव करना निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंतता का अनुभव करना कि कल्याण ही है है ना जब समय कल्याणकारी है बाप कल्याणकारी है तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है है किसी में? जब ये निश्चय हो जाता है तो भी एक सेकंड के अंदर फुल स्टॉप लग जाता है तो मेन बात यही है कि या तो परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाए या दूसरे निश्चय बुद्धि बन करके निश्चिंत हो जाना कल्याण हुआ ही पड़ा है जो होगा इसमें अच्छा ही होगा तो क्यों क्या के क्वेश्चन पूछने के बजाय क्या होगा वाह वाह के गीत गाना शुरू करेंगे वह बाबा वहा वाह ड्रामा वाह है ना वाह रे मेरा भाग्य वाह तो जितना वाह वाह के गीत गाते हैं माना भी अपने स्पिरिट्स को हाई करना है उत्साह में आना है तो ये वाह वाह का गीत जब गाना शुरू करते हैं तो बाबा कहते हैं अगर वाह वाह नहीं भी होगा तो वो परिवर्तन होकर वाह वाह हो जाएगा ये भगवान का वरदान है इसीलिए वाह-वाह के गीत जरूर गाना आना चाहिए नहीं? इसको कहते हैं फुल स्टॉप कोई गाना गाता है तो अपने आप सारी दुनिया भूला हुआ है कि नहीं है उस गाने में कितना मग्न हो जाता है जो सारी दुनिया भूल जाती है ठीक इसी तरह जब हम भी वाह वाह के गीत गाएंगे तो दूसरा सब भूल जाएंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और वाह वाह से हर चीज वाह वाह होने लगेगी इसीलिए बाबा कहते वाह वाह के गीत गाओ तो नेगेटिव को कंप्लीटली हम पॉजिटिव में चेंज करते वाह वाह के गीत गाने से ठीक है तो ये दूसरा तरीका है फुल स्टॉप लगाना वाह वाह के गीत गाओ और देखो कैसे परिवर्तन होता है मान लो कि वह वाह के गीत गाने पर भी अंदर में डाउट आ रहा है पता नहीं क्या होगा मैं गा तो रहा हूं लेकिन वाह वाह हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि सूक्ष्म में कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट साइड बाय साइड तो निश्चय बुद्धि बनने का प्रयत्न बाबा ने कहा है इसलिए होगा तो निश्चय बुद्धि बनने का भी प्रयत्न करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पुराने संस्कार के वशीभूत यह सेकंड थॉट भी संशय का आता रहता है पता नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा कैसे होगा तो बाबा ने उस समय कहा है कि मान लो कि अगर सेकंड थॉट या आपका गट फीलिंग आपको ये कह रहा है कि नहीं ये ठीक तो नहीं होगा ये वाह वाह मैं कह रही हूं लेकिन वाह वाह नहीं होगा कोई बात नहीं तो भी बाबा कहे आप ये सोचो कि अच्छा चलो ये बात जो आई है ये हमें क्या सिखाने आई जरूर कोई ना कोई लेसन सिखाने आई है अनुभवी बनाने आई है? तो क्या अनुभव मुझे प्राप्त क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बनना होगा तो हर प्रकार के अनुभव ड्रामा सिखाएगा या अनुभव कराएगा कि नहीं कराएगा तभी तो अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे इसीलिए मान लो कि आपका गट फीलिंग आपको यह कह रहा है कि नहीं ये वह वह तो नहीं होगा ये कुछ बहुत बड़ा नुकसान तो कोई बात नहीं उसमें कुछ सीखने को मिलेगा कुछ अनुभव प्राप्त होगा यह अनुभव हमें अनुभवी तो बनाएगा ताकि अंतिम पेपर में पास होने के लिए शायद यह अनुभव बहुत उपयोगी होगा जिस तरह से दुनिया के अंदर भी कोई भी इंसान अनुभवी कब बनता है कहेंगे ना परिचय देते समय भी बड़े बुजुर्ग होते तो बड़े अनुभवी है अनुभवी कैसे बने कई ठोकरे खा खा करके तो अनुभवी बने ऐसे ही तो अनुभव नहीं आ जाता है ना तो जीवन के अंदर बाबा भी हम बच्चों को अनुभव की अथॉरिटी बना रहा है तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कुछ ठोकर तो खानी पड़ेगी कि नहीं खानी पड़ेगी तो उसको भी उस दृष्टिकोण से देखो कि अच्छा ये बात जो आई है क्या सिखाने आई क्या अनुभव प्रदान करने आई तो खुद के अंदर क्या हो जाएगा खुद के अंदर धैर्यता और गंभीरता आएगी उसको समझने के लिए जो धैर्यता चाहिए धैर्यता आएगी तो भी फायदे में है नुकसान तो हुआ ही नहीं है ना तो फुल स्टॉप लग जाएगा कभी कभी यह स्टॉप लगाना है धैर्यता रखते हुए कि अब यह परिस्थिति जो आई है मुझे कौन सा नया अनुभव देने के लिए आई है और अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ो क्योंकि आगे चल करके यही अनुभव अंतिम पेपर में उपयोगी होगा काम आएगा इसीलिए यह अनुभव बहुत जरूरी था लाइफ में क्योंकि कोई भी अंतिम समय अगर चलो आया हमारे पास कोई ऐसा अनुभव जरूरी नहीं कि वो परिस्थिति आए तभी अनुभव काम आए लेकिन मान लो कि अंतिम समय कोई आत्मा आए और वो आत्मा कहती है आपके पास इतने सालों का अनुभव है क्या आप अंजली मुझे दे सकते हैं कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं और उस समय आप सोच में पड़ जाओ मेरे पास तो उसका कोई अनुभव नहीं है तो क्या होगा वो आई थी आशा के साथ और निराश होकर के जाएगी आप उसको मदद नहीं कर पाए तो कैसा लगेगा खुद को भी उस समय कितना ये लगे एक अंजलि तो चाहिए उसने मेरे से और वो भी हम नहीं दे सके तो इसीलिए यह अनुभव बहुत आवश्यक है अंतिम समय में कई आत्माएं उस अनुभव के लिए आएगी आपके पास क्या अपना अनुभव शेयर करो उसमें से ही उनको कुछ मिल जाएगा या मान लो के वो परिस्थिति आई है अनुभव देने के लिए आई है तो अनुभव कब मिलेगा कि उसके लिए बाबा ने कौन सी बात कही है जिस बात का एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है ना अगर उसका एप्लीकेशन किया तो बहुत सुंदर तरीके से आप जैसे महसूस करेंगे मक्खन से बाल निकल गए यही सबसे बड़ी प्राप्ति है इसीलिए बाबा कहते हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाना माना धैर्य तरफ समय समय आपको बहुत सुंदर अनुभव प्रदान करके जाए या उस वक्त कौन सी ज्ञान की बात को अप्लाई करना है ये समझ करके उसको एप्लीकेशन में लाओ तो जब उसको अप्लाई करने में बिजी हो जाएंगे तो भी व्यर्थ समाप्त हो जाएगा क्योंकि जितना यह व्यर्थ चलेगा उतना अपने अंदर इंप्योरिटी बढ़ाता जाएगा इसीलिए बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य नहीं है लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए यह व्यर्थ रूपी किचड़ा बढ़ना नहीं चाहिए उसको समाप्त कर देना है और समाप्त करने का यही तरीका है तीसरी बात मानो कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसके कारण व्यर्थ चल रहा है बार बार आपने उसको समझाया इग्नोर किया सब कुछ किया लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ रोड़ा डालता रहता है तो वहां फुल स्टॉप कैसे लगाए वहां फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कई मुरलियों में कहा है बाबा ने कि जब कोई आत्मा के साथ का आपका हिसाब है तो हिसाब किताब तब करके छोड़ नहीं देना है लेकिन उस हिसाब को चुप कर दो और चुप कैसे करेंगे उतनी शुभ भावना शुभ कामना प्रवाहित होने दो उसके प्रति जितना शुभ भावना शुभ कामना को प्रवाहित होने देंगे उतना आपका हिसाब जल्दी सेटल हो जाएगा ने? अगर व्यर्थ चला रही हूं मैं तो हिसाब बनेगा या पूरा होगा बनेगा और कड़ा हो जाएगा इसीलिए कोई जन्म का हिसाब है हमें पता नहीं है कौन से जन्म का हिसाब है लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना का दान बाबा उसका कल्याण है ना? और उस आत्मा को भी आत्म रूप में देख करके उसके प्रति ये शुभ भावना को प्रवाहित करो तो उसको टच होगा उसको दुआएं नेगेटिव से नेगेटिव बैलेंस नहीं होता है वो बढ़ता है उसने कुछ किया उसके सामने तो चलो ठीक है आपने कुछ नहीं बोला मौन रखा लेकिन पीछे कहा पागल है बाबा ने क्या कहा क्यों उसको श्रापित करते हो ऐसा बोल करके भी क्यों श्रापित कर रहे हैं इसीलिए वो बोल करके भी जो उसको श्राप दे दिया वो भी हिसाब बढ़ाएगा या कम करेगा बढ़ाएगा इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए शुभ भावना शुभ कामना दुआएं ही मदद करती है और वो जल्दी सेटलमेंट आपका कर देगा शुभ भावना नहीं देंगे तो बढ़ेगा तो अब फुल स्टॉप लगाना चाहेंगे तो भी लगेगा नहीं इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए शुभ भावना शुब कामना फुल लगाता है इसका कल्याण हो बाबा इस आत्मा को शक्ति देना हिम्मत देना आ, ये कार्य करने के लिए समझ देना उसको तो अपने आप जितना हमने उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना प्रवाहित किया उतना आपका हिसाब भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और फुल स्टॉप लगाना आसान ठीक है ना चौथी बात चौ, चार बात बताई है तीन बताई के चार बताई चार बताई मैंने अब पांचवी बात हा? पहला परिवर्तन दिशा देना दूसरा ड्रामा तीसरा निश्चय बुद्धि बन करके ड्रामा करना है ना तीसरा अनुभव बढ़ा रहा है और चौथा शुभ भावना कामना देना चार बातें बताई ना अब पांचवी बात पांचवी बात कि शायद ड्रामा मुझे एक चुनौती या अवसर दे रहा है कहीं पर मैंने पढ़ा बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी कि हर एक व्यक्ति के सामने चुनौती जरूर आती है और चुनौती क्यों आती है या तो उस चुनौती में अंदर में अवसर समाया हुआ है अपॉर्चुनिटी है तो या तो उस चुनौती में उस चैलेंज में अवसर समाया होता है और या तो उसमें कोई लेसन होता है जब चुनौती के वक्त सही निर्णय ले लो आप तो वो अवसर में परिवर्तन हो जाएगा और जैसे कहते हैं ना वो सिम सिम दरवाजा खुल जा ऐसे एक नया आयाम एक नया अवसर मिलता है जिससे बाबा भाग्य हमें देना चाहता है कोई भी बात कोई भी परिस्थिति जब आती है तो खाली लेसन सिखाने के लिए आती है उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चुनौती के अंदर जो अवसर है उस अवसर को जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे भाग्य की प्राप्ति होती है तो भाग्य विधाता भाग्य प्रदान करना चाहता है तभी वो परिस्थिति आई उस परिस्थिति को सुलझाते हुए अगर मेरी मनस्थिति सकारात्मक रही अगर मेरी मनस्थिति एकदम बाबा के साथ जुड़ी हुई है तो बाबा की जो टचिंग मुझे प्राप्त होगी वो टचिंग प्राप्त होने से क्या होगा हम सही निर्णय उस वक्त लेंगे और सही निर्णय लेते ही वो अवसर के द्वार खुलते हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था देखो बाबा ने कैसा ये भाग्य प्रदान कर दिया है ना जैसे कोई ऐसा महसूस होगा जैसे कोई मानो कि आप पहाड़ के एकदम चोटी पर खड़े और किसी ने आपको पीछे से धक्का मार दिया सोचा इसको गिरा दे और उसी समय अगर आपको पंख मिल जाए और आप उड़ने लगे और ऊंचाई पर जाओ और भाग्य प्राप्त होने लगे तो कैसा लगेगा वो कहानी मुझे याद आती है कि जो ईगल होती है ना ईगल जब उसके बच्चे को जन्म देती है तो फिर उसको उड़ना सिखाती है लेकिन ऐसे बच्चे उड़ने का साहस नहीं रखते तो वो चिल क्या करती है उस बच्चे को अपनी चोंच पर एकदम पहाड़ी से ऊपर ले जाएगी और वहां से छोड़ेगी उसको और जैसे ही छोड़ेगी ना कि वो पंख फड़फड़ाना चालू कर देता है और तब उड़ना सीखता है तो जीवन के अंदर हमेशा जिसको भय रहता है ना व्यर्थ किसका चलता है व्यर्थ का कारण होता है भय और जब बाबा भी देखता है कि आत्मा को भय बहुत है तो भय को खत्म करने के लिए क्या करेगा वो भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ा कर देंगे हमको वहां पर और ऐसा कोई ना कोई को निमित बनाएगी जो धक्का देगा जैसे कोई स्विमिंग करना नहीं चाहता है मेरे को याद आता है बचपन में स्विमिंग नहीं करना चाहता कोई ऐसा जोर से धक्का मार के हाथ पैर फटफड़ाना फट फट चालू कर और स्विमिंग करना सीख जाते हैं ना तो ठीक इसी तरह ड्रामा भी जब हमें कोई भाग्य देना चाहता है, लेकिन डर के कारण हम उस भाग्य तक पहुंच नहीं पा रहे तो ऐसी चुनौती आती है कि जिस चुनौती में अगर बुद्धि का योग सही है सही डिसीशन लिया तो जैसे वो अवसर का द्वार खुलता है वो इसीलिए बंद था क्योंकि हम डर रहे थे और उस डर के कारण हम आगे हिम्मत नहीं कर रहे थे बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को कहते हैं कि कई बच्चे बाबा मदद करना बाबा मदद करना बाबा मदद कर अटला लगाते बाबा हम तो आपके बच्चे हैं ना मदद करना आप मदद करना लेकिन आधा चीज याद रखते हैं पूरा याद नहीं रखते हैं बाबा आप तो हमारे मात पिता हो आप तो मदद करेंगे ही ना आप नहीं करेंगे तो बाबा को याद कराते हैं सब आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा लेकिन बाबा कहते हैं आधा सेंटेंस याद रखते हैं बाकी का आधा भूल जाते हैं कि बाबा मदद करता है किसको हिम्मत मर्दा मरदा तो मदद पहले हिम्मत का एक कदम तो उठाओ हिम्मत का अगर कदम ही नहीं उठा रहे हैं तो मदद कहां से मिलेगी है ना हजार भुजा वाला बाबा आपके मदद करने के लिए तैयार है लेकिन हिम्मत का कदम उठाना नहीं है और बाबा मदद करो बाबा मदद करो बाबा मदद करो तो क्या होगा और फिर मदद नहीं नहीं मिलती है क्योंकि मदद कैच ही नहीं कर पाते हैं हिम्मत का कदम बढ़ाया ही नहीं तो मदद तो कैच नहीं कर पाते हैं फिर कहते हैं बाबा को इतना याद किया इतना योग लगाया फिर भी बाबा की मदद नहीं मिली है? तो बाबा क्या कहते हैं कारण क्या हुआ के हिम्मत का कदम बढ़ाया नहीं हिम्मत जरूर रखनी पड़ती है कई बार और जैसे ही हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं उस विश्वास के साथ कि बाबा है फिर देखो आपको लगेगा मैं कहीं गिर ना जाऊं मैं कहीं ये ना हो जाऊं ये ना हो जाए लेकिन हिम्मत का कदम रखते हुए बस आप उस परिस्थिति को पार करने के लिए आगे बढ़ जाओ देखो फिर क्या होता है देखो फिर क्या होता है नहीं। hmm. ऐसा भाग्य विधाता भाग्य प्रदान करता है जो आप बाद में सोचेंगे मैं तो नाहक डर रही थी बाबा ने इतना अच्छा भाग्य दिया मेरे को तो डर नहीं रखो डर को खत्म करने का यही एकमात्र साधन है हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो कोई भी चुनौती जब आती है तो उस समय हिम्मत बहुत जरूरी है हिम्मत और उमंग उत्साह ये दो तो पंख माने गए हैं जब हिम्मत और उत्साह के पंख लास्ट संडे की मुरली में भी बाबा ने यही दो बात कही कि हिम्मत और उत्साह के पंख जब लग जाते हैं फिर आप कितनी भी ऊंची उड़ान भरना चाहो सहजता से भर सकते हो और कोई भी परिस्थिति को क्रॉस करना आपके लिए आसान है लेकिन हिम्मत और उत्साह के पंख ही नहीं है तो फिर तो परिस्थितियों के साथ लड़ना पड़ेगा माथा मारना पड़ेगा और आगे बढ़ना मुश्किल होगा इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख के आधार से उड़ना चालू करो तो कोई भी परिस्थिति नीचे हो जाएगी आप ऊपर से उड़ करके उसको क्रॉस करेंगे तो व्यर्थ चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी है ना तो इसीलिए डरो नहीं डरना नहीं है लेकिन हिम्मत का कदम उठा करके आगे बढ़ना यही हमेशा याद रखो भाग्य विधाता मुझे कोई ना कोई भाग्य प्रदान करना चाहता है इसीलिए ये बात मेरे सामने आई है और या तो बाबा के प्यार को महसूस करो छठी बात के भगवान का प्यार क्या होता है इसको अनुभव करने का टाइम आया है अच्छे दिन चल रहे हैं तब तो भगवान के प्यार का अनुभव करने की जरूरत नहीं है लेकिन भगवान के प्यार को रियल में अगर एक्सपीरियंस करना है तो जब विपरीत समय आता है तभी अनुभव होता है कई बार कई लोग कहते हैं बार बार मेरे सामने एक ही बात आती बार 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 वही बात क्यों आती है लेकिन बार बार क्यों आ रही है उसके पीछे भी कारण है मैं जब छोटी थी ना स्कूल में थी फिफ्थ क्लास में होंगी मैं तो फिफ्थ क्लास में जब थी तो हमारा मैथ्स का टीचर था उसकी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी उसको बच्चे नहीं थे अपने तो हमेशा उसको इतना प्यार था कि तेरे को मैं अडॉप्ट कर लू उसको यही अंदर में रहता था तेरे को मैं कर लू तो जब भी हमें यूनिट टेस्ट में सम्स देते थे ना सिखाते थे तभी भी विशेष ध्यान मेरे पर रहता है इसका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं है इसका ध्यान है और जब यूनिट टेस्ट होती थी हमारी तो जब चक्कर लगाता था ना जो सीधा आकर के मेरे पास खड़ा होता था अगर मैं उसके क्लास में पीछे भी बैठी तो खास बुलाएगा इधर बैठो तुम तो आगे बैठो है ना पीछे क्यों बैठी मेरी दो सीट होती थी तो आगे बिठाते एक तो मुझे उनका ही, क्लास बोरिंग बहुत लगता था मेरे को आता ही नहीं था तो बहुत बोरिंग लगता था और ऊपर से वो मुझे आगे बुला करके वहां नाक के सामने बिठाता था और ध्यान मेरे पर और फिर जब यूनिट टेस्ट के समय ऐसे चक्कर मार करके आता था खड़ा होता था देखने के लिए मैं क्या लिख रही अब नेचुरल है वो खड़ा होगा तो कॉन्शियस तो हो जाएंगे तो गलती तो होनी ही है तो गलती हो जाती थी मेरे से तो उसको इतना गुस्सा आता था अंदर में फिर जब पेपर देने जाते थे ना जब निकलते हुए जब क्लास से तो जैसे ही पेपर देते थे तो मेरा पेपर बाद में लेता दूसरे का सबका ले लिया है ना और फिर मेरा लास्ट में लेकर कहता बैठो बैठे इधर इतनी गलती करती है तुम है ना बहुत गुस्सा आता था मेरे ऊपर फिर वो तब तक वो दस ऐसे ही निकाल के रखता था और ये सारा सॉल्व कर बैठो सॉल्व करो बाकी सब चले गए मेरे को बैठना पड़ता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था है ना? लेकिन इतनी प्रैक्टिस कराता था इतनी प्रैक्टिस दस दस समे एक जैसे देख करके प्रैक्टिस कराता था ताकि मेरे को फाइनल में अगर वो क्वेश्चन आए तो मैं फेल ना हो जाऊं ये उनकी भावना थी अब जब फाइनल एग्जाम आई और मेरा हंड्रेड परसेंट मार्क्स मैथ्स में तो फुल स्कोर कर सकते हैं तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था हर चीज दस दस बार 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 कराते रहने से इतनी मैं परफेक्शन उसमें आ गया था तो एक तो मैंने समय से पहले भी कर दिया और हंड्रेड परसेंट मार्क्स आया उस समय जो खुशी मेरे चेहरे पर थी उससे ज्यादा जो खुशी उसके चेहरे पर आज तक मुझे वो चेहरा भूलता नहीं उनका कि कितना प्यार होता है तब बार बार प्रैक्टिस कराता रहा तुम तो उस बात को मैं समझती रही कि बाबा भी जब कोई बात बार बार मेरे सामने लाता है ना इसका मतलब मैं बाबा की फेवरेट स्टूडेंट हूं इतनी प्रैक्टिस देता है मुझे और दूसरी बात कि मैं फेल हूं ये उसको नहीं। फाइनल एग्जाम में मैं पास होनी ही चाहिए तो ये भगवान का प्यार अनुभव करो तो वो परिस्थिति बार बार आने से भी क्या होगा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कोई चीज बार बार सॉल्व करो तो क्या होगा तो व्यर्थ चलेगा या समर्थ चलेगा बाबा के प्यार को अनुभव करो उसमें तो क्या होगा समर्थ चलेगा खुशी होगी अंदर कि मेरे जैसा फेवरेट स्टूडेंट भगवान को हा, सुप्रीम टीचर को भी नहीं है वो इतना मुझे प्यार करता है तभी तो कोई प्रॉब्लम प्र, 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 बार बार सॉल्व करने के लिए देता है तो फुल स्टॉप इसी को नाम है फुल स्टॉप लगाना या तो व्यर्थ चलाओ या तो उस प्यार को महसूस करते हुए आप समर्थ चलाओ यही तो फुल स्टॉप लगाना है तो कहने का भावार्थ मेरा यही है कि फुल स्टॉप सेकंड में लगाना माना परिवर्तन करना दिशा देना निश्चय बुद्धि हो जाना और निश्चिंत होकर के वाह वाह के गीत गाना या धैर्यता और गंभीरता को धारण करते हुए ना, लेसन सीख लेना या अनुभव की अथॉरिटी बन जाना या कोई आत्मा अगर बार बार आपको परेशान कर रही तो शुभ भावना शुभ कामना दे करके उसके हिसाब को जल्दी सेटल कर दो या भाग्य विधाता जब आपको कुछ देना चाहता है तो वो परिस्थिति आती है चुनौती के रूप में और उसमें अवसर खुल करके सिम सिम दरवाजा खुल जा मेरे लिए ये अनुभव करो या तो बाबा के प्यार को अनुभव करो कि बार बार अगर मेरे साथ इसका मतलब फाइनल में बाबा तो जाने-जाने जान हार है ना सब कुछ जानता है कि फाइनल में क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है और उसके सामने वही आने वाला है बाबा ने कई बार हम बच्चों को बता दिया है कि फाइनल एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन कौन सा होगा सबके लिए नष्ट हुआ थोड़ी होगा हाँ जिसको जिसमें मोह की कमजोरी होगी उसके लिए वो पेपर होगा लेकिन बाकी के लिए कुमारियों के लिए कौन सा मोह है ना? तो क्या पेपर हो सकता है बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है बच्चे छोटी सी कमजोरी को भी छोड़ो नहीं के छोटी सी है अंत में ठीक कर देंगे क्योंकि वही फाइनल पेपर का द्वार होगा जो छोटी सी कमजोरी को मैंने छोड़ा कि लास्ट तक ठीक हो जाएगा वास्तव में माया का आने का द्वार वही है और लास्ट में वो खत्म नहीं होंगी लेकिन तब तक वो मैग्निफाइड होकर के इतने बड़े स्वरूप में आएगी वो आपका फाइनल क्वेश्चन होगा तो अभी से चेक करो मेरे में कौन सी कौन सी कमजोरियां है जिसमें मोह की कमजोरी है उसके लिए फाइनल पेपर वही होगा लेकिन जिसमें दूसरी कमजोरी है तो किसी में क्रोध की कमजोरी है किसी में देह अभिमान की कमजोरी है मैंपन की कमजोरी है किसी में और कोई कमजोरी है ईर्षा की द्वेष की कोई भी कमजोरी है तो जो कमजोरी होगी वही फाइनल क्वेश्चन आपके लिए होगा और उसका समय एक सेकंड ये भी बाबा ने बता दिया उस एग्जामिनेशन का चेकिंग कौन करेगा मार्क्स कौन देंगा खुद बाबा नहीं देगा खुद ही देंगे खुद ही चेकर है आप और जैसे ही आपने वो एग्जाम दिया और एग्जाम देते वक्त आपने महसूस किया फेल हो गए आप खुद बोलेंगे अंदर से विचार आएगा फेल हो गए आपने लेबल डाल दिया फेल तो अपने आप वहां चले जाएंगे जहां फेल होना है फेल वाले जाते हैं जैसे ही अंदर में वो खुशी होगी वाह मैंने पास कर दिया जैसे दुनिया में भी होता है ना जिसको पास हो गए तो कितनी खुशी पास हो गए तो ऐसे ही आपने लास्ट पेपर जब क्रॉस किया एक सेकंड का और उसमें पास हो गए तो इतनी खुशी से आप उछलेंगे पास हो गए मन आपने अपने आप को सर्टिफाई कर दिया और फेल भी हुए तो भी आप खुद सर्टिफाई करने वाले फेल हो गए बाबा देने वाला नहीं है नहीं तो कोई भी कहेगा बाबा आपने पार्शियलिटी किया इसलिए भगवान साक्षी साक्षी हो जाता है चेकिंग करने वाले कौन आप खुद सर्टिफाई करने वाले कौन आप खुद है ना पेपर सेट करने वाले कौन आप खुद अपनी कमजोरी के कारण वो पेपर सेट होगा है ना और लिखने वाला कौन आप खुद भगवान तो साक्षी रहता है आपने जैसा सर्टिफाई किया वैसे स्टेज में चले जाएंगे आप अपना नंबर बना देंगे उस लाइन में आप चले जाएंगे और जैसे उस लाइन में लग गए पास वाले पास की लाइन आप ये सोचेंगे अभी तो मेरे को करना है तो फेल भी हो जाऊं तो भी मैं पास बोलू नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे उस समय एक सेकंड फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में भी ये बात निकली कि फेल हो गए नहीं कर पाए बस गया, वो हो गया उसी समय है ना तो इसीलिए आप उस समय खुद के साथ भी ये चालाकी नहीं कर पाएंगे कि फेल होने के बाद भी आप पूछ लो और कहो कि पास हो गए ये नहीं कर पाएंगे ठीक है तो उसको कहा जाता है सेकंड में फुल स्टॉप ओम शांति